अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप यू आर डूइंग गुड और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोग करके आए थे जी ड्राइव बाय कार, आए थे फ्रॉम कैलगरी टू वैनकूवर। और यहाँ पे जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा रही हूँ कि हम लोग वैनकूवर पहुँच गए हैं और ये तकरीबन 12 आवर्स की ड्राइव थी। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है कैलगरी से। और यहाँ पे जो है तकरीबन आप कह लें कि 8 बजे का टाइम था और हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी और अब जा रहे हैं जी होटल की तरफ। क्योंकि बस ये था कि बस ज़्यादा इतनी लंबी ड्राइव के बाद पहुँचो तो ये होता है कि सबसे पहले होटल जाओ और जाके थोड़ा सामान शामान रखो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तो उसके बाद ही जो है ना कुछ होश आती है कि हाँ जी अब क्या करना है। तो आज का तो दिन कह लें कि एक तरह से ख़त्म हो गया पूरा दिन, क्योंकि ड्राइव 12 आवर्स की थी तो वो लग गया। अब मैं आप लोगों को, हम लोग होटल पहुंच गए हैं और मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर करवा रही हूँ। और रूम जो है वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एक स्पेशियस भी था। साथ में ये था कि ये वॉशरूम है और साथ उन्होंने कॉफ़ी बार वगैरह सब रखी हुई थी। तो मेरा तो यही होता है कि जब भी पहुंचो किसी होटल में भी जाना हो, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि चाय का इंतज़ाम है कि नहीं, क्योंकि मुझे चाय का होता है। ज़ाहिर है बाहर भी फिर वो तो ऐसा यानी कॉफ़ी शॉफ़ी तो मिल जाती है, पर चाय का ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं चाय का सामान, कहीं भी जाना हो चाय का सामान मैं अपने साथ रखती हूँ। और फिर ये होता है कि आराम से जी होता है कि भाई जब दिल चाहे होटल आओ बाहर से घूम फिर के, तो आराम से जी चाय बनाओ और रिलैक्स करो, एक ये होता है। तो ये था होटल का रूम का टूर जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और इसका व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त था, बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर कॉस्टको का व्यू था और कॉस्टको का आपने स्टोर टूर ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त स्टोर है ये, बहुत ही अच्छा हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। तो बस ये कि अब हम लोग जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं होटल में ही, और अब हमारी जो घूमने फिरने की जर्नी है वो होगी नेक्स्ट डे से। और ये हो गया है जी हमारा नेक्स्ट डे, हमारा टूर स्टार्ट हो गया है और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और अब हम निकल गए हैं जी अपनी जर्नी पे। और फर्स्ट जो हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था टूर, वो किया था कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, क्योंकि ये जो टूर है ये मोस्ट पॉपुलर है यहाँ का, मतलब ये जो अट्रैक्शन है, यानी जो भी आता है वो यहाँ पे लाजमी जाता है, जो भी कह लें कि टूरिस्ट या फिरने आता है लाजमी वो जाता है इधर। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी ज़रा यहाँ का डिटेल टूर करवाऊँ और दिखाऊँ कि ये क्या है अट्रैक्शन जो इतनी पॉपुलर है। और वाकई बहुत ज़बरदस्ती आप लोग आगे देखिएगा और फिर आप लोग इन्जॉय करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों ने कार पार्क कर दी थी और अब जो है वो टिकट के लिए खड़े हैं। और सर आप चेक करें इसका मौसम कितना ज़बरदस्त था आज, और सिटी आप चेक करें इतना ज़बरदस्त, यानी यहाँ पे ये कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बड़े बड़े दरख्त लंबे लंबे, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है सिटी का। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि स्नोफॉल नहीं होती। ये सिटी जो है वो कनाडा के बिल्कुल कह रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट में है और साथ इसके जो है वो पैसिफिक ओशन लगता है। तो यह कि अभी आगे भी आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखेंगे और सैर करेंगे, और आप लोगों को भी आई होप कि मेरे जो वेकेशन व्लॉग्स हैं वो पसंद आने वाले हैं। तो चले इन्जॉय करें। ये देखिए यहाँ पे जो है वो बसेस भी आती हैं, वो भी यहाँ पर टूरिस्ट को उतारती हैं। और ये है जी एंट्रेंस कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज की, यहाँ से टिकट्स बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके रेट्स लिखे हुए हैं, एडल्ट के हैं जी $55 की टिकट है, और आवर्स ऑफ ऑपरेशन लिखा है जी 9 से 6 बजे तक है इसकी टाइमिंग। और ये क्या सैनिटाइज योर पॉज, प्लीज चेक करें कितने ऊंचे ऊंचे, ज़बरदस्त लगे। अच्छा क्या चीज़, लाइन में तो उतर निकल गया, लाइन में तो स्किल नहीं मिला क्या? यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है सस्पेंशन ब्रिज की कैपिलानो। ये वो स्कैन कर लो पहले की मुझे पिक्चर खींच लो आपकी हमारी। चलो यहाँ पे ये देखें, इसके तीन है रूट्स,
क्लिफ वॉक है, ट्री टॉप्स एडवेंचर और सेफ्टी फीचर्स भी लिखे हुए, नो रनिंग, स्ट्रॉलर्स, कैरी बेबीज, स्ट्रेन लेवल और ये सब है इसमें मैप लेजेंड्स। अच्छा जी, ये हो गए स्टार्ट स्टोरी सेंटर से, अब यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही एंटर हो तो मतलब सामने जो है उन्होंने पूरा एक स्टोरी सेंटर इसलिए बनाया हुआ है कि उसकी हिस्ट्री सारी बताई हुई है कि ये जो ब्रिज है ये कब बना था, और ओरिजिनली जो है वो ये बिल्ट हुआ था 1889 में, और स्कॉटिश इंजीनियर थे जिन्होंने ये बिल्ट किया था, और जो ओरिजिनली जो इन्होंने फर्स्ट टाइम मेड किया था वो हेम्प रोप से किया था, और डेक जो है वो उसका सीडर के प्लैंक से किया था, सीडर जो वुड होती है उसके प्लैंक से। तो ये जो है उसके बाद फिर कह लें कि वायर्स में जो है वो केबल वायर्स में ये उसको इन्होंने जो है वो चेंज किया 1903 में। तो ये है इसकी कुछ हिस्ट्री, और उसके बारे में इन्होंने ये सब बताया हुआ है कि भाई ये कौन लोग थे और किस सन में जो है वो ये सब उन्होंने जो है वो चेंज किया। तो ये सब उन्होंने उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत रखी हुई हैं और ये सब बताया हुआ है। तो यही सब मैंने आपको एक छोटी सी समरी में बता दिया सारा। फिर ये कि थोड़ा सा आगे जाओ तो उन्होंने डायरेक्शंस बताई हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन चार किस्मों के हैं, कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज है, ट्री टॉप एडवेंचर है, क्लिफ वॉक है, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, गेस्ट सर्विस, इन सब की डायरेक्शंस बताई हुई है। और ये कि फिर हम लोग आगे ही जा रहे थे, वो ये होता है ना कि क्यूरियस हो रहे थे कि भाई अब आगे क्या आएगा, कब ब्रिज स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे ये कि इस तरह के मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपको जगह जगह मिलेंगे, जो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है ये वाले स्ट्रक्चर्स। और चले जी इन्जॉय करें टूर। ये सही में जो है ना हैंगिंग ब्रिज है। रेडी, वन टू थ्री गो। चेक करें जरा, ये ना रहे हो, ये ना दिया ही ना। ना दिया? मैं तो नहीं हिला रही। तो कौन हिला रहा है? ये देखे नीचे क्या है इसके, और ये ऐसे हिलता जुलता सा है, खड़े भी रहो वो हिलता जाएगा। ये देखे जरा नीचे कितना है। देखिए ऐसे जगह जगह पिकनिक स्पॉट भी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हिल रहा है जैसे कि ना वो बोट में जा रहे हम लोग, इस तरह की फीलिंग है इसकी। ये देखें हिल कैसे रहा है, आप लोगों को कैमरे से ही आइडिया हो रहा होगा कि कितना ये हिल रहा है ब्रिज, सही में हैंगिंग है ये इसकी फीलिंग। अब मैं जा रही हूँ ऊपर एग्जिट के चढ़ने के लिए, ऊपर स्टेयर्स की तरफ जा रही हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगी नीचे का सीन, आप चेक करें जरा। ऐसा था ये, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये देखें एक और ब्रिज है यहाँ पे, अब हम इस साइड पर भी जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और बीच में इन्होंने इस तरह से सारा हैबिटेट बनाया हुआ है, प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे स्पीशीज। ये देखें ये ऊपर ब्रिज, ट्री टॉप्स एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं अब हम। ट्री हाउस,
हाँ ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ट्री हाउस। अब हम यहाँ जा रहे हैं इसकी तरफ और फिर इसको कनेक्ट करेगा ब्रिज। ये देखें ट्री टॉप एडवेंचर। यार बच्चों running around hiding from the green nature ahead. ये देखें एक्सट्रीम नेचर अहेड है, यहाँ पे उन्होंने वार्निंग दे दी है कि एक्सट्रीम नेचर है तो इससे बच के रहें। किसको है हम ऊपर, उन्होंने यहाँ पे कॉशन भी दी हुई है कि जब यहाँ पे बारिश वगैरह होगी तो स्लिपरी भी हो सकता है। और मास्क है जी यहाँ पे रिकमेंडेड। और ये हम आ गए हैं जी ट्री हाउस। देखिए ऐसे कार्टून्स वगैरह में देखते हैं कि ये इस तरह के ट्री हाउसेज होते हैं और ये अब हम रियल में चले गए ट्री हाउस में। और साथ साथ जो है ना वो इस तरह पूरा ट्री हाउस का इन्होंने सेट दिया हुआ है कि रियल ट्री हाउस में जा रहे हैं। ये देखिए ट्री हाउस। ये देखें एक और ब्रिज की तरफ हम जा रहे हैं। नैरो सा ये ब्रिज, वो तो चौड़ा था काफी, ये बोला सर नैरो सा। ये देखें यहाँ ब्रिज से होके अब हम जा रहे हैं दूसरा वहाँ पे। इन्होंने जगह जगह ऐसे ना स्टॉप्स बनाए हुए ट्रीज पे। पता नहीं क्यों बनाए हुए, ब्यूटी करने के लिए बनाए हैं। ओ ये सही ना वो है हैंगिंग। ये देखिए मैं इसको ऐसे पकड़ पकड़ के जा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा वो ब्रिज है ना वो हिल रहा है। ये अब हम आ गए दूसरे स्पॉट की तरफ। ऐसे इन्होंने जगह जगह ना ये देखें ये फिर वो ऐसे इन्होंने जगह जगह। ये देखिए अब हम थर्ड स्पॉट की तरफ आए और यहाँ से वो चौथा है फिर वो पांचवा है। ऐसे इन्होंने ये पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है ना। और देखें इनके जरा हाइट चेक करें ट्रीज की, बहुत ज्यादा हाइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। ये देखें कैसे है गोर है बिल्कुल। ये देखें ये पूरा हम यहाँ से आए हैं, ये दूसरा स्पॉट, तीसरा, ये चौथा और हम पांचवें की तरफ जा रहे हैं। वैसे पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है इसका और सही लंबे लंबे दरख्त हैं। सही लग रहा है कि जंगल में आ गए किसी ना, सिटी से निकल के किसी फॉरेस्ट में फिर रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है। ज़बरदस्त लग रहा है, मौसम भी इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल ना हवा भी चल रही है हल्की हल्की और गर्मी नहीं है। ये देखें अब हम जा रहे हैं पांचवें की तरफ। और ये नीचे देखें ये छोटा सा पॉन्ड है, साथ में ये ट्रैकिंग का यहाँ पे एक एरिया भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग जो है वो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, वॉकिंग ट्रेल। और यहाँ पे सब आराम से वॉक करो और नेचर को इन्जॉय करो। ये कैसा है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखें नीचे सारी वॉकिंग ट्रेल है। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये देखें ये था जिसके ऊपर इन्होंने वो बनाया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप्स से बीच में। और ये दरख्त चेक करें ज़रा, सही हैवी ड्यूटी दरख्त है, ट्री टॉप कैनोपी था यहाँ से जो हम होकर आए ना। इसको चेक करें कितना प्यारा लग रहा है इसका फ्रॉग, ये भी एक्सप्लोर करने आया। यहाँ पे एक साइड पे वाटरफॉल्स भी है,
और वहाँ पे एक और ब्रिज आ रहा है, हमने उस तरफ को जाना है। ज्वेलरी वगैरह कहाँ गया वो मुबारक। क्लिप वॉक पे आए हैं, लेकिन इसकी स्टेयर्स बिल्कुल ही नैरो हो गई। क्लिप वॉक पर जा रहे हैं, चाहिए हम जा रहे हैं क्लिप वॉक की तरफ। देखिए कितना जबरदस्त इन्होंने बनाया हुआ, सही हैंगिंग है ये, और दरख्त तरह चेक करो, सही डीप है नीचे। यहाँ से आइडिया होगा उसकी हाइट का। ये वो है सस्पेंशन ब्रिज, वो है और हम इधर हैं। ऐसे गुलाई बिल्कुल, काफी हाइट पे है और ट्रीज की तरह वो चेक करो। ट्रैफिक देखिए इस तरह से बना हुआ है, हैंगिंग टाइप। नजर आ रहा है वो दूसरा वाला ब्रिज भी, और ये सस्पेंशन ब्रिज भी, और ये वाला भी। ये देखें ये वाला ब्रिज ऐसे बना हुआ है। जी तो ये था डिटेल टूर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे, और आगे आगे जो है मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा अट्रैक्शंस शेयर करूँगी, जहाँ जहाँ हम लोग घूमे, जहाँ जहाँ पे गए, तो आई होप कि आप लोगों को और मज़ा आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप प्रेस कर दीजिए, मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।